भी हमारे साथ मौजूद है, गुलाबचंद दुबे जी। गुलाबचंद दुबे जी, संजय राउत तो दो कदम आगे बढ़कर इसको किसी और लेवल पर ले गए। उन्होंने कहा कि मैं तो पिछले दो महीने से कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जान के लिए खतरा है, उन पर हमला हो सकता है और विदेशी जमीन पर यह साजिश रची जा रही है। जी जी विप्रेस माथुर जी, जी तर्क यह है कि किसी रचनाकार की एक लाइन मुझे याद आ गई कि सुबह होते हैं पैगामे, शाम होते हैं तल्ख, जिंदगी लम्हे लम्हे तमाम होते हैं, तब किसने देखा है गर्क होती दुनिया को, हुक्मरा मालिक है फितरत मकाम होते हैं। ये मैं भिन्न भिन्न दलों के प्रवक्ताओं के माध्यम से जो भी मैंने देखा, हमारी बहन ऋतु जी संग से कर रही थी कि वर्तमान राजनीतिक पटल में समग्र देश में लोकप्रियता अगर परम चरम पे किसी की बनती है तो आदरणीय राहुल गांधी जी की बनती है। ठीक है, मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जानना चाहता हूं कि रातों रात वाई नाट में जाकर के वहां पे एक दैविक आपदाओं के कोहन में जाते हैं और उस आपदाओं में जो दिवंगत हुए सभी लोगों के प्रति मेरी भी संवेदना है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन माथुर जी, मेरी बात नहीं समझ में आता थी कि उनके रातों रात कहां समझ में आ गया उनके घर पे ईडी का छापा पड़ने वाला है, किस सूत्रों के माध्यम से, कहां कौन सा ऐसा सूत्र हो गया। और बात वहीं तक नहीं, ये चाय के ऊपर भी बोला निकलते हो गए, बोले कि चाय और बिस्किट मेरे तरफ से, अंदेशा आया कहां से उन्हें। सच तो यह चीज से लेकर के मैं कहना नहीं चाहूंगा, आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कार्यकाल से देखा जाए तो चाहे बोफोर्स की बात हो, चाहे नेशनल हेड की बात हो, तमाम ऐसे, या चाहे वांडा जी के ऊपर हो, ऐसे सीबीआई ईडी कैसी खनक इनके ऊपर खनकती रहे, तो क्यों घबरते हैं ईडी से। अगर ये सच है इनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और हमारे भी कुछ प्रवक्ताओं के माध्यम से मुझे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी मात्र डर और भय का वातावरण करके अपने पक्ष में लोगों को लाना चाहती है और उन्हें बेकसूर कर देगी। मैं वक्ताओं से, प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, चुनौती से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज एनडीए सरकार में अगर किसी का संलग्नता अगर है जो ईडी का उनके ऊपर कहीं कहीं प्रभावित हुए हैं ईडी से, सीबीआई से, कौन से नेता को धो दिया गया। अरे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सरकार में आज वर्तमान स्वरूप में बताइए, एक व्यक्ति का नाम बताइए, एक नेता का नाम बताइए जो चलिए महाराष्ट्र से संबंध रखता हो। अब आपके जैसे नवाब मलिक, अब आपके अनिल देशमुख हुई है, उनके ऊपर कौन सा ऐसा कुठारा गांव थे। और संजय राउत जी को ये कैसे अंदेशा हो गया चीज के लिए कि राहुल गांधी जी को या उनको या इंडिया गठबंधन के जुड़ी हुई शीर्ष नेताओं की हत्या की साजिश की जा रही है। सच तो यह है इन सबके मन में ऐसी भी होती सोच होती है और इनके ऐसी मानसिकता को मद्देनजर रखते हुए 2000 अच्छा हुआ कि एक सूर्योदय हुआ 2014 में माथुर जी, कि देश संभल गया, देश बच गया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यह देश वाकई में विश्व के पटल पर दिखने लगा। सच तो ये है। ठीक है ऋतु जी, पहले आप बोलिए, उसके बाद मैं विजय जी करूंगी लोकसभा चुनाव में जो ठीक है गुलाबचंद जी।